हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशियंट्स आज हम डिस्कस करने वाले, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स कोफिशियंट्स के सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लास 10 तक आपने देखे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो थी, लेकिन उसके कोफिशियंट्स जो थे वो रियल नंबर्स थे। नाउ वी हैव कोफिशियंट्स एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कोफिशियंट्स हैं, इसको आप अगर इससे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a आपके पास आएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू आएगा माइनस 2 प्लस i, और c की वैल्यू होगी माइनस 1 माइनस 7i। ये आपका c है। x की वैल्यू आप निकालते थे तो ये होती थी माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल अपॉन 2a। अब हमारे पास इस केस के हिसाब से वैल्यू होगी x की माइनस, ध्यान से देखिए, माइनस b, तो माइनस ऑफ माइनस b भी है यहाँ पर, तो एक ब्रैकेट ये वाला यूज कर लेते, माइनस इज ऑलरेडी देयर, तो ये माइनस है और बी इज वॉट माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस आई, ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर ऑफ होल, तो स्क्वायर ऑफ होल है तो माइनस बी स्क्वायर के अंदर आ गया, माइनस 4ac, तो 4। ए देखिए क्या है, ए इज 1, सी इज माइनस 1 माइनस 7i, ब्रैकेट क्लोज, और होल अपॉन 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1, होल अपॉन आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 1, दैट इज 2। और अब आप इसको ऐसा लिख दें, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, वो जो अपॉन में 2 है वो यहाँ लिख दिया अपन ने, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस आई प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2 प्लस आई होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 7i, और अपॉन में 2 जो था वो यहाँ लिख दिया, तो अब उसको वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आगे क्या होगा, तो आगे देखिए x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 प्लस i प्लस माइनस, बिल्कुल आसान है, आप देखना इसको, इसका स्क्वायर ओपन कर दे, तो अगर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये देखिए 2 का 2 स्क्वायर 4 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 2 इंटू आई माइनस माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 7 जा 28 आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 प्लस आई प्लस माइनस ब्रैकेट 4। अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हैं, देखो 4 आई स्क्वायर इज माइनस 1 प्लस 4 आई माइनस 4 प्लस 28 आई, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 बाय 2 2 प्लस आई प्लस माइनस 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 28 आई प्लस 4 आई, ये हो जाएगा आपका माइनस 1 प्लस 32 आई। क्लियर है क्या मेरी बात आपको? होपफुली कुछ गड़बड़ कर दी क्या यहाँ पे, प्लस आएगा
ओ एक्सट्रीमली सॉरी, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, तो प्लस इंटू माइनस, तो प्लस 4 माइनस 28 आए। तो ये आप देखिए, ये हो गया आपके पास 4 प्लस 4 7, 7 8 माइनस 1 7 माइनस 24 आए। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। किसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा? 7 माइनस 24 आएगा, तो इसको हम मान लेते हैं नंबर 1। ये देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया था, प्लस हो गया था, पर मैंने यहाँ माइनस ही लिखा था, इस वजह से गड़बड़ हो गई। तो अब आप इसको करेक्ट कर लें। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 7 माइनस 24 आएगा, तो लेट ए माइनस आई बी बी इट्स स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट ए माइनस आई बी। अगर आपने मेरा स्क्वायर रूट वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लें, तो आपको स्क्वायर रूट का कंसेप्ट समझ में आएगा कि अगर ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस लेना होता है। अब देखिए इसको आगे बढ़ते हैं हम, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग कर दिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ABI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 24 आई। अब ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इज माइनस 1 एज यू नो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ABI 7 माइनस 24 आई। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, दोनों साइड के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर कर दें। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। नंबर इसको नंबर 2 दे दें, ये नंबर 2 दे दिया, इसको नंबर दे दें 3। और दूसरा देखिए 2AB इज इक्वल टू 2AB, तो माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, तो माइनस और माइनस कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, आई इसमें भी है आई इसमें भी है, तो केवल 2AB इज इक्वल टू 24 इज एनफ। और इसको नंबर दे दें आप 4। अब जो फार्मूला एक वो है स्पेशल फार्मूला, उसका यूज़ कर लेते हैं। तो उस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो वो फार्मूला क्या कहता है आपका, फार्मूला देखिए। स्क्वायर रूट के लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया मैंने, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2AB होल स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे लिख भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर मेरा है 9685698056। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 आ गया। अब इसमें देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 7 स्क्वायर प्लस 2AB 24 स्क्वायर, 7 स्क्वायर होता है 49 और ये हो जाता है 576, तो ये हो जाएगा आपका 625। 625 मतलब क्या हो गया, 25, 625 का स्क्वायर रूट 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, प्लस माइनस नहीं आएगा, ओनली प्लस, ओनली प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू क्वांटिटी कैन नॉट बी व्हाट, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की एक ही वैल्यू लेंगे 25, इसको नंबर दे दिया हमने, इक्वेशन नंबर क्या दे दिया इसको 5। अब ए और बी फाइंड करना है, किसके लिए ए और बी फाइंड करना है, ये इक्वेशन 2 के लिए ए और बी फाइंड करना है। तो ए और बी फाइंड करने के लिए अब एक बार आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, तो 5 प्लस 3, अगर 5 और 3 को आपने ऐड कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें 25 है और उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास है 7। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस विल इम्प्लाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 16, और A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस 4। ये आ गई आपके पास A की वैल्यू। अब हमें B की भी वैल्यू निकालनी है, तो B की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें हम, तो B की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। किन दोनों को, देखिए
फाइव और थ्री को ही सॉल्व करेंगे, लेकिन फाइव में से थ्री इस बार माइनस कर देंगे, इसको रब नहीं कर सकते क्योंकि इसका यूज करना है। तो ये यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी। अब देखिए फाइव माइनस थ्री, फाइव माइनस थ्री तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। माइनस किया तो माइनस प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, आपको मालूम है ये बात। तो ये इसमें देखिए ये ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर ऐड हो गया, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 7 कितना होता है 18 होता है, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 9। तो b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास प्लस माइनस 3। तो ये आपके पास b की वैल्यू है और ये आपके पास a की वैल्यू है। जो ये दोनों वैल्यूज हैं a और b, ये अब आपको फाइनली सब्सटीट्यूट करना है दोस्तों, किसमें, पुटिंग इन टू, इन दोनों वैल्यूज को उठा के टू में पुट कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन टू। अब a और b की वैल्यू टू में रखेंगे, तो बहुत ज्यादा दूर है नहीं, मैं a और b की जगह वैल्यू रख देता हूं। तो ये a और b की जगह वैल्यू रख दी, देखो a की जगह क्या रख देंगे, a की जगह आपके पास आया है प्लस माइनस 4, तो प्लस माइनस 4 एज इट इज, और b की जगह कितना आ गया आपके पास प्लस माइनस 3, तो ये लिख दिया मैंने प्लस माइनस 4, और ये यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे b आए, तो b की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 3 और i एज इट इज, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। इसमें से भी आप क्या करें, प्लस माइनस कॉमन ले लें, तो जब आप प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास वैल्यू इस तरह से हो जाएगी। देखो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर लिख दीजिए, और ये यहाँ पर रूट 7 माइनस 24 आए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस 3 आए। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, रूट 7 माइनस 24 आए की। अब ये वैल्यू जो लिखी है दोस्तों, इसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा हमको इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि वहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी, तो इसलिए अब इसको हम पुट कर देंगे। नाउ ऑन पुटिंग, ये हमारा क्वेश्चन है इसलिए इसको रब नहीं किया, नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ रूट 7 माइनस 24 आए इन 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस, सॉरी x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 ब्रैकेट 2 प्लस आए प्लस माइनस रूट ऑफ 7 माइनस 24 आए की वैल्यू, ये वैल्यू आई देखिए आप प्लस माइनस 4 माइनस 3 आए। अब आप इसको समझे कि ये क्या माजरा है, देखिए अगर आप प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस मिलेगा, और अगर आप प्लस को माइनस से करेंगे, करना तो सबको ही ना, एक इसको इससे भी करना है इससे भी करना है, तो एक बार आपको प्लस मिलेगा एक बार आपको माइनस मिलेगा, जब माइनस से आप करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इससे भी अल्टीमेटली मिल तो हमको वही रहा है प्लस और माइनस। तो फिर आप ऐसा लिखें यार, क्या लिखें हम, 1/2 ब्रैकेट 2 प्लस आए, केवल प्लस माइनस ले लेते हैं। अब एक बार इधर प्लस साइन लेकर के आंसर लेते हैं और एक बार माइनस साइन लेके, हो गया ऑलमोस्ट इट इज डन। अब आप समझ भी गए हो, बहुत आसान है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है पर आप कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है कि आप कर लोगे। 4 माइनस 3 आए, अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 2 आए डिवाइडेड बाय 2, 6 माइनस 2 आए डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस आए। ये x की एक वैल्यू आ गई, कौन सी वैल्यू आ गई, ये जो x की वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट आंसर है आपका, ये x इज इक्वल टू 3 माइनस आए। अब जब माइनस साइन आप लेते हैं तो x की वैल्यू हो जाती है आपकी 1/2 ब्रैकेट 2 प्लस आए माइनस,
फोर माइनस थ्री आए। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो जाएगा टू माइनस फोर माइनस टू, और जब इस टू से डिवाइड होगा तो माइनस वन, प्लस आई माइनस माइनस प्लस आई प्लस थ्री आई फोर आई, फोर आई डिवाइडेड बाय टू टू आई, तो ये आपका हो गया x। तो ये दो वैल्यूज हो गई आपकी x की। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर जो है आपका कि इसका आंसर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसका आंसर आपका आ चुका है, और मैं फाइनली इसका आंसर लिखता हूं। इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, इसके जो रूट्स है इससे x की वैल्यूज आई है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, x की वैल्यू आई है थ्री माइनस आई, और x की वैल्यू आई है माइनस वन प्लस टू आई। ये आपका आंसर है, ये आंसर है। लेकिन अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, क्या वेरीफाई करना चाहते हैं, वेरीफाई ये करना चाहते हैं कि जो आंसर आपने निकाला है वो सही है कि गलत है, तो फिर आपको लास्ट ईयर की एक बात याद होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम कर दें तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो माइनस थ्री माइनस वन टू, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आई, आपको दिख गया होगा। तो अब तो ऑलमोस्ट आपको लग ही गया कि सही है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट कर देते हैं हम यहाँ पे, थ्री इंटू वन, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, प्लस माइनस थ्री है ना, माइनस थ्री, और ये हो जाएगा आपका सिक्स आई, और माइनस आई से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस आई, माइनस टू आई स्क्वायर, माइनस टू आई स्क्वायर, तो माइनस टू आई स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस टू, आई स्क्वायर बींग माइनस वन, करेक्ट, बिल्कुल सही समझे, इज इक्वल टू वॉट जीरो। तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस आई एक्स प्लस वन, देखो माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू कितना हो गया माइनस वन, अच्छा माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा माइनस वन, कॉमन ले लिया तो प्लस वन, सिक्स आई प्लस आई सेवन आई, माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस सेवन आई इज इक्वल टू जीरो, तो सही आ गया। तो ये इसका मतलब हो गया, ये वेरिफिकेशन हो गया, वेरीफाइड, वेरिफिकेशन इज नॉट नीडेड, वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप डबली श्योर होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एकदम निश्चिंत हो जाएं, तो एकदम निश्चिंत होने के लिए आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो एकदम निश्चिंत हो जाएंगे आप और इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोस्तों आपने देखा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल रूट्स निकालने के क्वेश्चन है। तो ये जो हमने क्वेश्चन देखा इसमें हमने रूट इस इक्वेशन का निकाला, और बाकी जो कुछ इस तरह से भी निकलते हैं, एक मैं आपको और बताता हूँ क्वेश्चन नंबर टू, जिसमें आप इस टाइप के इक्वेशन का रूट निकालना चाहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये तो बिल्कुल आसान है, ए की वैल्यू वन है क्योंकि इसका कोफिशियंट वन है, बी की भी वैल्यू फॉर्चुनेटली वन है, सी की भी वन है। तो ये डायरेक्ट आप अपना फार्मूला लगा दीजिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर वन माइनस फोर इंटू वन इंटू वन अपॉन टू। तो ये हो जाएगा आपका वन बाय टू ब्रैकेट माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस फोर कितना रूट ऑफ माइनस थ्री। रूट ऑफ माइनस थ्री को आप कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ थ्री इंटू रूट ऑफ माइनस वन, रूट ऑफ माइनस वन इज व्हाट आई। तो यही आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो थोड़ा सा काफी लेवल का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन में और आपसे डिस्कस कर लेता हूं जिसमें आपको और सीखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन इस तरह से है जिसमें आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, डायरेक्ट फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू माइनस थ्री रूट टू माइनस टू आई एक्स माइनस सिक्स रूट टू आई
इसको चाहें तो आप फॉर्मूला लगा के करें, लेकिन फॉर्मूला लगा के करने में थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो आप मतलब डायरेक्ट यानी फैक्टराइजेशन से कर दें तो आप बहुत आसानी से कर देंगे। तो इसको आप फैक्टराइजेशन से कर दें, आप समझ लें कि फैक्टराइजेशन कब होगा कब नहीं होगा, ये भी आपको समझ में आएगा। इसमें देखो आपको एकदम क्लियर होगा, इसको आपने ऐसा लिख दिया, इसको ओपन कर दिया, 2ix माइनस 6√2i। अब आप इससे कॉमन ले लें x, अगर आप x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3√2। इससे क्या कॉमन ले सकते हैं आप, इससे 2i कॉमन ले सकते हैं, x माइनस क्या हो गया आपका 3√2। तो ये देखो अब आपका एकदम एक झटके में आ गया। तो आप कैसे एडवांटेज लेना है ये सब आपके ऊपर है दोस्तों, कि आप एडवांटेज कैसा लेना चाहते हो क्वेश्चन का। तो आप क्वेश्चन जैसे ये जिसमें रूट रूट ज़्यादा हो वो फैक्टराइजेशन से हो जाते हैं, और ये जो सिंपल है वेदर इसके इसमें कोफिशियंट देखो आप कॉम्प्लेक्स कोफिशियंट्स नहीं है, फिर भी इसका रूट क्या आ गया, रूट इसका क्या आया, ये जो रूट है एक्स की वैल्यू है, दो वैल्यूज आई है जो वो कॉम्प्लेक्स आई है। तो ऐसा भी होता है आपका कि जो कोफिशियंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स ना हो, उनमें इमेजिनरी नंबर ना हो पर उसका आंसर इमेजिनरी हो कॉम्प्लेक्स हो। इसको देखिए आप, या तो ये जीरो होगा और या फिर ये जीरो होगा। तो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन तरह के प्रॉब्लम है, तीनों तरह के प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया। पहला प्रॉब्लम जो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन था उसी को मैंने इसलिए पहले डिस्कस किया। नंबर टू, ये भी एक सिंपल प्रॉब्लम है, आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो एनसीईआरटी में यू विल फाइंड क्वेश्चंस लाइक दिस ओनली, इस तरह के ही प्रॉब्लम मिलेंगे। जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन किया उस तरह के प्रॉब्लम, उस तरह के लिए जो एनसीईआरटी के लास्ट में उन्होंने ऐड किया है वो उस तरह के प्रॉब्लम आपको आखिरी में मिलेंगे अपेंडिक्स में, जो एट द एंड ऑफ द बुक रहता है उसमें। और ये वाला जो है ये बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जादू से भरा हुआ, फैक्टराइजेशन से हो गया। इसको आप फैक्टराइजेशन से करेंगे तो यू विल फाइंड सम डिफ़िकल्टीज। और जो पिछला वाला क्वेश्चन है, जो पहला वाला है, उसको फैक्टराइजेशन से करना इतना आसान नहीं होगा, पर हाँ इसको फैक्टराइजेशन से करना थोड़ा आसान है। आप अपने कमेंट्स जो है वो मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि ये चैनल ग्रो करे, आपका नॉलेज ग्रो करे, हमारा मैथमेटिक्स ग्रो करे। और विश यू ऑल द बेस्ट, मैं आपका साथी डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी हूँ, विश यू गुड लक अगेन।